हल्ला किसानों के वालों बोलिया जा रहा, अपने हक की आवाज बुलंद की जा रही है, लेकिन सियासतदानों के वालों भी किसानों के समर्थन के वक्ो वक्रे पद्धर से रैलियां की जा रही ने, आवाज बुलंद की जा रही है। पंजाब सरकार किसानों के मुद्दे से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। जी पंजाब रणा हिमाचल से मनप्रीत सिंह बादल का बयान है। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जावांगे। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी अगर केंद्र सरकार ने किसानों के हक के विच फैसला ना दिता। तो नवे खेती बिल के विरोध के विच सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार। नवा खेती बिल किसान विरोधी है, मनप्रीत सिंह बादल ने कहा। सरकार एमएसपी देने की गल तो पलट रही है। किसानों का हल्ला बोल है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल जी हैं। सर, मुख्य मुद्दा क्या है जिनपे कि आप लोग भी विरोध कर रहे हैं? हमने सदन में भी देखा, सदन से लेकर के अब सड़कों पर यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप विरोध कर रहे हैं? सर, सबसे बात तो बड़ी बात तो यह है कि आज हिंदुस्तान का जो किसान है उसकी जो हालात हैं वो काबिले रहम है। दिन पे दिन उसकी जो गुजर बसर है वो होनी बड़ी मुश्किल हो गई है। तो ज़रूरी आते वक्त तो ये था कि उसकी कोई ना कोई मदद होती, इमदाद होती, पर ये जो नए कानून आए हैं उससे तो उसका जो शोषण है, या उससे जो अगर मोटे तौर पे कह दूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये कानून कहते हैं कि जो भी ये जो फसल खरीदते हैं आज से पहले लाइसेंस उसको लेना ज़रूरी था। लाइसेंस का मतलब था कि अगर वो भुगतान नहीं कर सकता या सही कीमत पे नहीं, तो उस पर पेनल्टी भी हो सकती थी, उसको कानून के शिकंजे में भी लिया जा सकता था। तो ये जो नया बिल है ये कह रहा है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के, जिसके पास पैन कार्ड नंबर हो, वो आके कारोबार या व्यापार कर सकता है। तो एक तो ये हमें एतराज़, दूसरा हमें ये भी एतराज़ है कि आज से पहले जो भी फसल बिकती थी वो मंडियों में जाके बिकती थी। मंडियों में प्राइस डिस्कवरी भी हो जाती है, प्राइस भी सही मिलती है। मजबूरी ये है कि छोटा किसान है, उसकी अभी फसल अभी आई नहीं है, बेटी की शादी है, बीमारी हो गई, कोई मुकदमा बन गया, तो जो प्राइवेट प्लेयर है वो तो उसको बोल देगा कि यार मैं आज ही पैसे ले ले और मैं आज सस्ती खरीद लेता हूँ। अगर उसको पैसे ना दिए तो उसको कैसे पकड़ेंगे? तो जो सरकार को ये जो फूड का जो मसला है इसको रेगुलेशन में रखना बहुत ज़रूरी था। कोई जो प्राइवेट आएंगे वो खैरात बांटने तो आएंगे नहीं कि जो एमएसपी से ऊपर लेंगे, वो तो अपना फ़ायदा देखेंगे। और तीसरी ये भी है कि जितना भी अनाज बिकता है वो उसकी मंडी फीस लगती है, रूरल डेवलपमेंट फीस लगती है, जिससे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपने 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 प्रदेश बनाते हैं। तो कॉरपोरेट्स आएंगे, खरीद के ले जाएंगे और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो मोटे मोटे तौर पे तो ये है, बट जो अंदरला जो असली असली मुद्दा है वो ये है कि भारत सरकार जो एमएसपी है, एमएसपी पे खरीदने से मुनकर हो रही है। सवाल सर जरूरी पूछूंगा कि क्या पंजाब सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी? जी, हमने फैसला कर लिया है। सीएम साहब ने ये बयान दिया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है और किसान के जो मफादात हैं उसकी हिफाजत करना वो हमारा धर्म है, और इसलिए हमने पटिशन जो है तैयार की है और उस दो बिना पे की है। एक तो जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें मुदाखलत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे सकती, कानूनी तौर पे नहीं दे सकती। और दूसरा है कि किसी भी सरकार को किसी दूसरी सरकार की इकोनॉमी को तबाह या ज़ाया करने का कोई अधिकार नहीं है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। धन्यवाद। कैमरामैन अमर के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।